बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आपकी पार्टी जो गठबंधन करती है लेकिन लंबा खींचे राजनीति के लिए, इस पर सवाल ही रहता है क्योंकि आपको पता है कि आपने बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश में किस किस के साथ गठबंधन किया है? विकास पार्टी से भी किया है, कुलदीप सुनवे की पार्टी से भी किया है, लोकदल से भी किया है। उन्होंने क्यों तोड़ा, कितने गठबंधन किए पहले, इसका जवाब बीजेपी बड़े दें। राजनीति में कोई समय के अनुसार राजनीति चलती है, परिवर्तन होते हैं, हालात बदलते हैं, हालात के हिसाब से चलना पड़ता है। हमारी पार्टी ने आज जो फैसला किया वो प्रदेश के हित में किया है। जी देखिए, हमारा गठबंधन जेजेपी के साथ है, पहले लोकदल से भी किया था, लेकिन आज जेजेपी के साथ हमारा गठबंधन है। ये परिवार का मामला, उस पर मैंने कुछ नहीं कहना, हम जेजेपी के साथ हैं। देखिए वो तो परिवार का मामला है। भारती जी ये बताओ कि बचपन है मन बनाया है कि किन किन सीटों पे वो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, समय पर बता दी, क्लियर करना बाकी है। जी आपने 50 सीटें लिए, 40 तो 40 सीटों पे आपको लगता है संगठन के तौर पे या आप इतने मजबूत हैं, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया बहुजन समाज पार्टी का संगठन के तौर पे भी कमजोर है और बार बार गठबंधन नहीं नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आपको आगे? बहुजन समाज पार्टी का 90 की 90 सीट पे संगठन है और हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है। भले हम जीत नहीं पाए, प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई, वो बात अलग है, लेकिन हमारा संगठन बहुत मजबूत है। 90 की 90 सीट पे हमारा संगठन है और हम पूरे प्रदेश में तो गठबंधन है, मिलकर के पूरी सीटें। आपका एक विधायक बना जी, देखिए जी, अपनी बात के टर्म से नहीं, पिछली कई टर्म से आ रही कि वो जिस पर राज हो जाता फिर उसके साथ। देखिए बहुजन समाज पार्टी पे एक आरोप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जाति विशेष की पार्टी है। हमने पंडित जी को लड़ाया प्रिथला में, हमने तो ईमानदारी के साथ टिकट दिया, अगर कोई हमारे साथ गद्दारी करके जाएगा तो वो आरोप हमारे ऊपर क्यों? आज भी प्रदेश में एक भी शेड्यूल्ड कास्ट एमएलए नहीं जीता पाई। पहला एमएलए हमारा बना सुरजीत कुमार धीमान नारायणगढ़ से, सेकंड हमारा एमएलए बना विश्वनाथ सैनी, तीसरा हमारा एमएलए बना चौधरी अर्जुन सिंह गुजर और चौथा हमारा एमएलए बना अक्रम खान, पांचवा शर्मा जी। एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं, पार्टी को शेड्यूल कास्ट लोगों कहते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि हमारा संगठन जो है पूरी तरह से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करता है और सबको साथ लेकर हम चलते हैं। जी हमारा वोट कम नहीं हो रहा है, देखिए सारी पार्टियों का वोट कभी कम होता है, गिरता है छोटा मोटा, लेकिन हमारी पार्टी नेशनल पार्टी आज भी है। देखिए हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला जी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई इसकी समस्या ही नहीं है। जी डिप्टी की कोई बात नहीं, जब सरकार बनाएंगे बाद फैसला कर लेंगे, पहले हमने सीएम बनाना है, सरकार बनानी है।